गुजरात टाइटंस वर्सेज असारच मैच का लास्ट ओवर जो कि भुवनेश्वर कुमार ने किया, ऐसा ओवर शायद आपने आईपीएल के इतिहास में भी पहले कभी नहीं देखा होगा। ऐसा क्या ओवर कर डाला यहां पे भुवनेश्वर कुमार ने, यही जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ऐसे ही नहीं जाने जाते डेथ बॉलर, उन्होंने ये आज साबित करके दिखाया है। उन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ा विकेट निकाला इस लास्ट ओवर की पहली गेंद पर सुमन गिल को आउट कर जो कि 101 रन पर खेल रहे थे। उससे ही अगली गेंद के अंदर उन्होंने फिर से एक विकेट निकाला और ये विकेट था अब राशिद खान का, 0 रन पर चलता किया। उससे ही अगली गेंद पर उन्होंने एक और विकेट निकाला और ये विकेट था नूर अहमद का। ये जरूर यहां पे रन आउट था, लेकिन रन आउट भी खुद यहां पे भुवनेश्वर कुमार ने करा था, यानी कि इस ओवर में 3 बोलों में 3 विकेट आ गए। अब भी कहां रुकने वाले थे, अगली गेंद पर एक रन जरूर आया, लेकिन पांचवी गेंद पर फिर से एक और विकेट निकाला और ये विकेट था मोहम्मद शमी का, यानी कि इस ओवर से अभी तक आ गए 4 विकेट। और लास्ट बॉल के ऊपर कहीं ना कहीं एक लैग बाय का रन जरूर आया, लेकिन इसी के साथ भुवनेश्वर कुमार ने अपने इस मैच के 5 विकेट कंप्लीट कर लिए। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की इस बॉलिंग के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।